आइए आगे बढ़ते हैं। ज़ैनब रज़िल्लाहा निकाह हुआ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल हुई, याद रखिए, ठीक है। और जब आपका निकाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ तो आपकी उम्र के ताल्लुक से बात यह है कि आपकी उम्र जो है 35 साल या 25 साल थी। अब ये मैंने पहले बता चुका हूँ, रिवायतों में ऐसे इख्तलाफ इसलिए होते हैं कि वो ज़माना नहीं था कि बच्चा पैदा हो तो एक बर्थ सर्टिफिकेट बनता था कि डेट ऑफ बर्थ लिखी जाए तो पता चल जाए कितनी उम्र है। तो अब लोग अंदाजे लगा लेते थे 10 साल, बच्चा कितने साल का। अभी भी गांव में जाइए, किसी बच्चा कितने साल का बोलते हैं, 15 साल का होगा। लेकिन कैसा, देखो ये एक बार है ना बहुत बहुत बड़ा मसला हुआ था, लाइट चली गई थी एक दिन पूरा गांव में, लाइट नहीं थी। हाँ हाँ, जब पैदा हुआ, अच्छा हाँ उसको 15 साल हो गए होंगे, समथिंग है ना। अब ये कैसी होता ना, देखिए वो भाई आपकी वालदा की पैदाइश क्या वो तो नहीं मालूम, लेकिन ये आपके दादा की पैदाइश क्या नहीं वो तो नहीं मालूम, लेकिन वो बोल रहे थे पहली जंग अजीम जब हुई ना, तो जब वो ऐलान हुआ तो जब इन्हें पैदा होते, मतलब इन अराउंड 1914-1915 पहली जंग अजीम जो हुई थी, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जब पैदा हुए थे। तो लोग ऐसा, ये कब पैदा होते, हिरोशिमा पे जो बम गिरा था ना, जब पैदा हुए थे लोग। पहले जमाने में ये सब सिस्टम नहीं था तो ऐसे ही याद रखते थे तारीख। और आज भी गांव वगैरह में जहाँ बच्चे दवाखानों में पैदा नहीं होते तो लोग अंदाजों पे, जब स्कूल में बच्चे को डालते ना तो अंदाजे से उम्र लिख देते हैं, तो ये होता है मसला। तो किसी ने 25 का और किसी ने 25 और किसी ने 35, 35 का 25। अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें, अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हक़दार बने। रोजाना हमारी वीडियो को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दिए सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।